शुरुआत से उन्होंने स्टार्ट कर दी है सर्वाइवल सीरीज, और आज के एपिसोड में हम लोग को प्रोग्रेस तो करनी है लेकिन साथ ही में करने हैं कुछ इम्पोर्टेंट टास्क, जिसकी वजह से हम लोग गेम में और आगे जाएंगे। तो रजाइयों में घुस जाओ एंड लेट्स गो। ओके, सो हम लोग फाइनली यहाँ पे आ चुके हैं और काफी अच्छा भाई 123 की हाइट पे लाके छोड़ दिया है और कह रहा है कि सरवाइव करो भाई, क्या तुम कूद जाओ यहाँ से? ना, तुमने तो कह गई कूद जाओ, मैं नहीं कूदूंगा भाई। हम लोग को यहाँ से लावा पूल दिख रहा है, दो भी दो दिख रहे हैं और बर्च का फॉरेस्ट दिख रहा है। सबसे पहले हम लोग को यहाँ से आराम से निकलना पड़ेगा। तुम सोच रहे हो कि सर्वाइवल सीरीज स्टार्ट करती बताया नहीं, बताया था मैंने वैसे, और ये कुछ नहीं हुआ है तो तुम लोग कुछ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अबे भाई नहीं नहीं, सबसे पहले हम लोगों ने 4 ओक लॉग ले लिए, जिससे हम लोग बना लेंगे प्लैंक्स और उससे बना लेंगे क्राफ्टिंग टेबल और थोड़ी सी स्टिक्स, और इससे हम लोग स्टार्टिंग बना लेंगे एक पिकैक्स। हम लोगों ने इसे सिर्फ एक पिकैक्स बना ली है और इसे सिर्फ हम लोग स्टोन तोड़ लेंगे। 3 स्टोन तोड़ने के बाद हम लोग इस पिकैक्स को कटा कर देंगे एंड दोबारा से इसको अपग्रेड मार देंगे। ये थोड़े से टैक्टिक्स हैं जो कि तुम लोग भी यूज़ कर सकते हो अगर तुम स्पीड रन कर रहे हो या सर्वाइवल कर रहे हो या हार्डकोर कर रहे हो, क्योंकि हम लोग के पास कोई भी नया वर्ल्ड खोलने के बाद सिर्फ 10 मिनट रहते हैं फर्स्ट नाइट सर्वाइव करने से पहले, नहीं तो पहली नाइट में तो भैया ज़ॉम्बी मॉब्स तुम्हारा भूत बना दें। मैं जल्दी जल्दी करता हूँ, तुम्हें मिलता हूँ 2 मिनट के अंदर। हाँ, तो मैं कह रहा था कि हम लोग के आज कुछ 3 गोल थे, 3 गोल में से हम लोग का पहला गोल है हम लोग को एक आयरन आर्मर बनाना है फुल्ली, दूसरा हम लोग को एक प्लेस ढूंढनी है, और तीसरा है हम लोग को एक प्यारा सा छोटा सा घर बनाना है जिसमें कि हम लोग सर्वाइव कर सकें। तो लेट्स गो। और फूड हम लोग की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सर्वाइव करने के लिए, तो हम लोग निकलते हैं पहले आराम से। और हम लोग को वहाँ पे कुछ पिगी दिख रहे हैं तो मजाक कर भाई भाई, चलो आ जाओ भाई। ये मेरा साथी क्यों होता है भाई? ओ, बकरी मिल चुकी है तो 3 क्या हो गया तुमको? ओके चलो, अब इससे हम लोग बेड बना लेंगे। 3 ऐसे रखो, 3 ऐसे रखो एंड बेड हमारे पास आ चुके हैं। लेट्स गो, थोड़ा सा खाना ले लेते हैं। लेट्स गो, आ जाओ आ जाओ भैया, बाय बाय भैया। अब चलते हैं सीधा, ढूंढते हैं एक विलेज और रास्ते में कुछ आयरन दिखेगा तो तुम लोग को वो भी दिखाता हूँ। तो लेट्स गो। ओके, तो रात होने वाली है, मैं थोड़ा सा और खाना इकट्ठा करने गया था, तो अब चलते हैं सो जाते हैं। और यहाँ पे केव है तो हम लोग को हो सकता है यहाँ पे आयरन मिल जाए। ओके, तो रात हो चुकी, जल्दी सो जाते हैं, नहीं तो भाई कुछ ना कुछ हो जाएगा। और गुड नाइट, लेट्स गो। ओके, तो चलते हैं थोड़ा आगे। तो अगर हम लोग को एक ओपन केव दिख जाएगी तो हम लोग को बहुत चांसेस है यहाँ पे खुले में आयरन मिल जाए, बट अगर नहीं मिल रहा तो फिर दिक्कत की बात है। और ऐसे चलते थे विलेज भी दिख जाएगी तो और ही बढ़िया बात, मतलब नुकसान नहीं होना चाहिए। इसी तरह चलते हैं, क्या होता है एक विलेज भी दिख जाए तो काफ़ी मज़ा आ जाएगी। थोड़े से पम्पकिन भी मैं ले लूँगा यहाँ से, क्योंकि एक पम्पकिन से हम लोग को 4 पम्पकिन सीड मिलते हैं जो कि उगाने में काफ़ी काम आएंगे अगर हम फ्यूचर में उसकी फार्मिंग वगैरह करें तो। ले लिया है मैंने एंड लेट्स गो। ओके गाइस, तो मैं उस जगह से चलते चलते काफ़ी दूर आ चुका हूँ और रास्ते में मैंने कई चीज़ें उठाई, जैसे कि थोड़ा सा कोल मिल गया था एंड पम्पकिंस जिसमें फार्मिंग कर सकते हैं और छोटा मोटा आइटम। और मैं अब ढूंढ रहा हूँ एक विलेज या हम लोग को आयरन दिख जाए, क्योंकि हम लोग को अब तक एक भी आयरन दिखा तक नहीं। ओके, तो हम लोग को रवीन दिख चुकी है और हम लोग को आयरन दिख चुका है, लेट्स गो। यहाँ पे मेन दिक्कत है नीचे कहाँ से जाऊँ मैं। ओए ठीक है, ओके तो मैं एक चीज़ कर सकता हूँ, लेट्स गो, आइडिया आया। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। अरे भाई इतना होने के बाद भी इसमें गिर रहा है, ये पर ब्लॉक तोड़ दो बस, ये वाला। यहाँ पे आ चुके हैं, यहाँ पे जितना भी कोल वोल मिलता है पहले एक बेड लगा दूं ताकि अगर मैं मरूं तो मैं यहीं पे रिस्पॉन हो जाऊँ, ताकि मेरा सामान ना गायब हो। एंड अब आयरन की तलाश स्टार्ट कर दें। सबसे पहले तो चलो नीचे, और यहीं पे काफी आयरन दिख चुका है, चलो चलो। एक आयरन, 2, 3, 4 चार दिख रहा है यहाँ पे, और भाई क्रीपर दिख रहा है मुझे वहाँ पे, बीच नहीं जा रहा। एंड आई थिंक मुझे जितने आयरन एक आयरन बनाने के लिए लगते हैं उतने तो मुझे मिल जाएंगे वहाँ पे, यानी एक ज़ॉम्बी दिख रहा है। तो मैं जल्दी जल्दी यहाँ से जितने भी आयरन इस केव में रवीन में वहाँ से लेता हूँ और मिलता हूँ तुम लोगों से। हट जाए यहाँ से, ओए कोई तो दिखा मेरे को, कोई तो दिखा है जो बहुत तेज बन रहा है। क्या बे तू हमसे तेज बनेगा? यहीं पे है, दिखाऊं? ये देखो भाई, यहाँ से तेज बनेंगे, इतने बड़े हो गए देख रहे हो,
इतने बड़े हो गए भैया कि हमसे तेज गिरी कर रहे हैं ये, तो मैं प्रॉपर इसको स्मेल्ट करता हूँ और तुम लोगों से मिलता हूँ बस 2 मिनट में। लेट्स गो, आयरन मिल गया भाई साहब। ओके, सो हम लोग का फाइनली आयरन आर्मर बन के रेडी हो चुका है, तुम लोग देख सकते हो। ये सब करते हुए रात हो चुकी है और मैं थोड़ा अपनी इन्वेंटरी को भी क्लियर आउट कर दिया है एंड आयरन आर्मर को रेडी हो चुका है। हम लोग पास एक्स्ट्रा 16 आयरन भी हैं जो हम लोग यूज कर सकते हैं। हम लोग के 3 गोल में से 1 गोल कंप्लीट हो चुका है। सोता हूँ और तुम लोग से मिलता हूँ अगली सुबह। चलो 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 चलते रहो चलते रहो। और पिगी नमस्ते, कैसा है दोस्त? मगर क्यों मेरे दिल के पुकाले आजा लगे लगे। तो काफी बड़ी विलेज लग रही है मेरे को जहाँ तक देखने से लग रही है। और पाजी कितना की हाल चाल वधिया? ओके गाइस, सो फाइनली हम लोग को एक विलेज मिल चुका है। तो हम लोग का देखा जाए तो हम लोग का सेकंड टास्क भी कंप्लीट हो चुका है विलेज ढूंढने का। हम लोग का थर्ड टास्क आता है और इस विलेज से हम लोग को कुछ ज्यादा कुछ सामान नहीं मिला है, मतलब कुछ नहीं मिला है भाई। एक दो ब्रेड मिली थी और थोड़ा सा हे बेल वगैरह तुमको जो दिख रहा है वही सब है। एंड हम लोग को पीछे एक लावा पूल दिख रहा है जो कि मेरे राइट साइड तुम लोग को दिख रहा है, तुम लोग के लेफ्ट साइड है। अब मैं सोच रहा हूँ एक घर बनाने का। हम लोग का जो तीसरा टास्क है वो मैं सोच रहा हूँ कि उस तरफ कहीं बनाऊँ। वो जो घर बनाऊंगा मैं वो इस विलेज के आस पास बनाऊंगा। वो क्यों इस आस पास बनाऊंगा? ताकि हम लोग को विलेज शिफ्टिंग करने के वक्त काफी इजली हो। ओके गाइस, सो मैंने फाइनली एक लोकेशन देख ली जहाँ पे अपना घर बनाऊंगा एक छोटा सा, और फिर उसी धीमे धीमे करके वही एरिया को मैं एक्सपैंड करता रहूंगा। वहीं काफी बिल्ड्स आएंगे, काफी मशीन्स, काफी इंडस्ट्रियल एरिया भी आएगा। तो ये वो एरिया है जहाँ पे वो 3 पेड़ है, क्योंकि ये एरिया काफी बढ़िया लग रहा है। और सेकेंड चीज, ये विलेज से काफी पास में। चलो यहाँ पे हाथ रखा, अब मैं पूरा ये एरिया क्लियर आउट करता हूँ, इसमें घास वास ऐसे करके साफ करता हूँ और मिलता हूँ तुम लोगों से 2 मिनट में। ओके गाइस, तो मैंने ये पूरा एरिया क्लियर आउट कर दिया है और जो भी जगह थी वो मैंने भर दी है डर्ट से और मुझे थोड़ा इतना सामान वगैरह मिला हुआ है। एंड अब मैं ये सोच रहा हूँ कि ये बायोम हम लोग बनाएंगे अकेशिया बायोम का है, और हम लोग जो अपना घर बनाएंगे वो बनाएंगे 10x10 का। तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा पीछे करके बनाऊँ, इधर बनाता हूँ। हम लोग का बनेगा एरिया 1, 2, 7, 8। ओके गाइस, थोड़ा ग्लास वाला काम बचा था तो मैं थोड़ा सैंड लेने आया हुआ था। एंड भाई घर कहने को छोटा सा है भाई, इसमें इतना सामान लग गया है ना। और मुझे कई कई नई नई लोकेशन भी मिली जो कि तुम लोग मैं आगे बताता रहूंगा। भाई इतनी शवले इतनी पिकैक्स वगैरह टूट चुकी हैं, थोड़ा सा अब थोड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि भाई मैंने पहले तुमने देखा होगा मैंने पूरा एक ही तरीके से बना दिया, कुछ पता नहीं चला था। फिर मैंने देखा आसपास थोड़े से ओक लॉग हैं तो मैं उनको ढूंढ के थोड़ा सा बनाया हुआ है। इतना हुआ है कम्प्लीट, बस थोड़ा सा कम्प्लीट करता हूँ इसको और तुम लोगों से मिलता हूँ बस को पूरा कम्प्लीट करने के बाद। भाई साहब मिलता हूँ तुमसे। ओके गाइस, सो फाइनली हम लोग का पूरा घर बन के तैयार हो चुका है। मैंने इसमें सारे वो रिसोर्सेज लगाए जो कि मेरे पास थे, मिनिमम रिसोर्सेज से मैंने पहला घर बनाया है। एंड हम लोगों ने अपने सारे गोल्स भी कंप्लीट कर दिए हैं, जैसे कि हम लोग ने आयरन आर्मर पूरा बना लिया है, अपना एक ब्रिज ढूंढ चुके हैं और हम लोगों ने अपना घर बना दिया है। तो वो घर कैसा लग रहा है तुम लोग के सामने? ये तो ये है वो घर जो कि मैंने थोड़े बहुत रिसोर्सेज से बना दिया है। एंड इसमें थोड़ी बहुत मैंने डेकोरेशन के लिए इधर उधर, मतलब अभी बेसिकली यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब ये एक स्टार्ट है और स्टार्ट में ही तुमको एक स्टार्टर हाउस के हिसाब से काफी अच्छा ये मिल चुका है। बाकी अब धीमे धीमे करके सामान इसमें लाएंगे। तो ओके गाइस, आई होप तुम लोग को ये वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना। एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं एपिसोड नंबर 2 में। तब तक के लिए बाय बाय।